अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज बिरयानी। मेरे स्टाइल में बिल्कुल इजी तरीका है, इसे सब्ज़ी पुलाव भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने सैला राइस लिए है। सैला राइस बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत खिल के पकते हैं वो। आप लोग भी एक बार बनाना सैला राइस। अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिए 500 ग्राम सैला राइस, जिसको मैंने 2 घंटे भिगा दिया था। ये मसाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच होममेड बिरयानी मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। ये मैंने सब्जियां ली हुई है, 1 कटोरी भर के पत्ता गोभी, 1 बड़ा सिया आलू को कट कर लिया है, 1/2 कटोरी मैंने ली हुई है फूल गोभी, ये 1/2 कटोरी मैंने मटर लिए हुए, मेरे पास बॉयल मटर पड़े हुए थे, आपके पास जैसे भी हो आप ऐसे ले सकते हो। ये मैंने लिए खड़े मसाले, तेज़पत्ता, सौंफ, 1 चम्मच सौंफ लिया हुआ है मैंने, 3-4 काली मरी ली हुई है, 2-3 लौंग लिए हुए हैं, 1 बड़ी इलायची ली हुई है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हुए हैं, 1 बादिया का फूल लिया हुआ है, 2 चम्मच लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने 7-8 हरी मिर्च ली है जिसको मैं क्रश कर लूँगी, धनिया और पुदीने को मैंने क्रश करके रखा हुआ है, 100 ग्राम मैंने दही लिया हुआ है। मैं पानी अब रख दूँगी चावलों को बॉईल करने के लिए। मैंने पानी लिया था 5 गिलास मैंने पानी लिया था, तो सारे चावलों को मैं बॉईल कर लूँगी उसमें। मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट देना और लाइक भी करना। अच्छा जी, मैंने ये खड़े मसाले लिए हुए, ज़ीरा, लौंग, काली मरी और तेज़पत्ता और दालचीनी, बस इसको मैं पानी में ऐड कर दूँगी, और 2 हरी मिर्च को मैंने जो कट की है उसको भी इसमें डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून में डालूँगी उसमें ऑयल, 1 चम्मच छोटा वाला बस। अब इसको मैं ढक के पानी को बॉयल होने रख दूँगी। अब मैं 2 प्याज का बिरस्ता कर लूँगी। मैं 2 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली हुई है, तेल डालूँगी उसमें, प्याज डालूंगी, प्याज का वीडियो मेरे से स्किप हो गया था, तो इसमें खड़े मसाले डाल दूंगी मैं। अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पका लूंगी। गाइस, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसकी वजह से मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये पानी बॉईल हो जाए उसके बाद मैं चावल ऐड कर दूंगी। मैं नमक को अभी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। इधर मेरा बिरस्ता रेडी हो गया है, 1/2 बिरस्ता मैं निकाल लूँगी और 1/2 मैं मसाले के साथ इसको भून लूँगी। फिर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से भून लूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से इसको तेल में फ्राई कर लूँगी, इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला वो मैं अब डालती हूँ। होममेड गरम मसाला, बिरयानी मसाला, नमक, ये होममेड गरम मसाला चला गया, ये धनिया पाउडर चला गया और हल्दी। कसूरी मेथी को मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। सारे मसालों को मैं भूनूंगी, मिर्ची भी जो मैंने क्रश की हुई है हरी मिर्च उसको भी डाल दूंगी मैं, और इन सबको मैं स्लो आंच पे भून लूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी चावलों में, एक रस हो जाए वो। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसमें मसाला जो मेरा भून गया है इसमें मैं डाल दूंगी सारी सब्जियां। सब्जियों को डालने के बाद मैं पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि यही सब्जी का पानी जो निकलेगा उससे ही ये सब्जी गल जाएगी, तो मैं उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी।
अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी और उसको 5 मिनट के लिए सब्जियों को मैं पका लूँगी। उसको ढक के बनाऊँगी कि सारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। ये चावल मेरे 70% तक पक गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि मुझे इसमें दम में भी ये चावल को पकाना है। ये इतने खिले खिले चावल बनते हैं ना कि आप एक बार सैला राइस घर में बना के देखना। अच्छा जी, ये सब्जियाँ मेरी गल गई है, उसको मैं चेक कर लूँगी। उसके बाद इसमें दही ऐड करूँगी। आलू गल गए बिल्कुल, अब मैं इसमें दही को फैट करके ऐड कर दूँगी और सिर्फ आधा मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। आधा मिनट के लिए इसको पकाऊँगी मैं ढक के। उसके बाद ये हो गया, माशाल्लाह से ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है। इसमें मैं धनिया और पुदीना दोनों कट करके इसमें डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं बिरयानी का लेयर बिछा दूँगी, उसमें हर लेयर लगा दूँगी। सबसे पहले मैं लगाऊँगी राइस की लेयर। देखिए गाइस, राइस कितने खिले खिले बने हुए हैं। ये मैं 1/2 टीस्पून में डालूँगी इसमें तेल। इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। सारी सब्जी को मैं इसमें ऐड करके फैला दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी बिरस्ता। बिरस्ता डालने के बाद मैं इसमें फिर से धनिया और पुदीने की कतरन डालूँगी जो मैंने कट करके रखा हुआ है। अब इसमें सारे राइस डाल दूँगी। मैं इसमें कोई कलर नहीं डालूँगी, फूड कलर, क्योंकि ये सब्ज़ी राइस का कुछ अलग ही आता है। जो वेज बिरयानी बनती है उसका कलर कुछ अलग से ही कलर रहता है, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा कलर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अच्छा जी, ये सारे चावलों को मैं बिछा दूँगी इसमें। चावल डालने के बाद मैं इसके डालूँगी बिरस्ता और धनिया और पुदीने की कट की हुई कतरन पूरी उसमें बिछा दूँगी मैं। अब ये आ गया बिरस्ता। उसके बाद मैं उसमें 1/2 से भी ज़्यादा टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी ऊपर से। अगर आप चाहो तो आप घी डाल सकते हो। अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। पहले 1 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद 1 मिनट बाद मैं 5 मिनट के लिए उसको स्लो आंच पे रखूँगी। अभी मैं इसमें धुंगार दे दूँगी। थोड़ा सी तेल डाल दूँगी कि धुआँ निकल जाए और अच्छी सी स्मेल आ जाए वेज बिरयानी में। ये हो गई मेरी बिरयानी रेडी। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी इसमें से जब मैंने इसको खोला, माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनी है ये, इतनी टेस्टी। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखना और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट और लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नई रेसिपी लेके। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।